तो गाइस डॉल्फ ज़िगलर ने भाई NJPW को ज्वाइन कर लिया एंड भाई फाइनली उन्होंने मतलब कि डेब्यू कर लिया NJPW में। तो क्या कुछ पूरा सीन हुआ, कैसे क्या कुछ हुआ, सारी बातें डिस्कस करने वाले इस वाली वीडियो में। तो आप लोग मेक श्योर इस वाली वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। बाकी चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हो रेसल इन दी फैक्ट्स। तो देखो भाई ये रिपोर्ट आती है कल एंड कल ये न्यूज़ आई थी कि भाई NJPW में आते हुए नजर आए भाई डॉल्फ ज़िगलर। एंड मैंने जब ये रिपोर्ट देखी तो भाई मैं एकदम शॉक हो चुका था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि WWE में वापस आएंगे डॉल्फ ज़िगलर, मतलब कि WWE के संग इतने टाइम से बने रहे, तो क्या पता WWE भी सोचेगी वापस से भाई इनको WWE में साइन कर लिया जाए। बट भाई एकदम ही शॉकिंग मतलब चीज़ देखने को मिली हमें कल रेसलिंग इंडस्ट्री में। एंड भाई फाइनली भाई NJPW के संग ज्वाइन हो चुके हैं डॉल्फ ज़िगलर। एंड भाई किस किस को भाई ये चीज़ शॉकिंग लगी थी कमेंट करके बताना। तो भाई मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा लगी थी। अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि भाई क्या फ्यूचर होने वाला है कि डॉल्फ ज़िगलर का, कैसे मतलब NJPW उनको बुक करेगी। एंड भाई क्या अभी भी चांसेस हैं कभी ना कभी मतलब WWE में वापस आएंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि भाई एक तरीके से एक तरफ बेइज्जत करके भाई WWE निकाला उनको, रिलीज़ कर दिया काफ़ी सारे सुपरस्टार के संग। एक तरफ भाई डॉल्फ ज़िगलर मतलब उनके अंदर पोटेंशियल बहुत था, बट WWE उनको वेस्ट किया बाकी सुपरस्टार्स को ओवर करने के लिए। बट इस चीज़ के बारे में तो कभी और बात करेंगे। बाकी भाई ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि भाई डॉल्फ ज़िगलर ने भाई NJPW को ज्वाइन कर लिया। अपने रिएक्शन कमेंट करके बताओ और आप लोग को क्या लगता है कि NJPW में डॉल्फ ज़िगलर का करियर कैसा लगेगा कमेंट करके बताना। बाकी इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही कुछ था। अगर आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।